हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सीलेंट्रेटा। ये आता है इस टॉपिक में, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो अपने को क्लासिफिकेशन करना है, ये केवल क्लासेस तक करना है। तो पहले हम जो भी फाइलम होगा कंसर्न, उसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से, जो टेबल लेआउट है हम उसका वो देखेंगे, और फिर हम उसकी क्लासेस के जनरल कैरेक्टर्स और उस क्लास में कौन कौन से जंतु आते हैं ये करेंगे। तो ये देखिए, स्लाइड में मैंने सीलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स लिए हैं। अब ये मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख रखा है और मैं आपको इनको हिंदी में समझाती चलती हूँ। जैसा कि आपको पता है, जो सीलेंट्रेट्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, ये एक्वाटिक हैं सारे। या तो ये समुद्र में पाए जाते हैं या ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अब इनका जो नाम सीलेंट्रेटा है वो पड़ा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीलेंट्रॉन। तो इसमें केवल एक जठर चर्म से आस्तरित आंतरिक गुहिका, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जठरवाही गुहिका या सीलेंट्रॉन प्रेजेंट होती है, इसलिए ये एनिमल्स आते हैं सीलेंट्रेटा में। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इनमें सीलेंट्रॉन प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट, इनकी सिमेट्री। इनमें जो सिमेट्री है वो है अरीय, रेडियल सिमेट्री होती है। इनमें अनुदैर्ध्य मुख अपमुख अक्ष के साथ या तो अरीय सिमेट्री होगी या द्वि अरीय सममिति इनमें पाई जाती है। थर्ड पॉइंट, इनमें शरीर भित्ति द्विजन स्तरी होती है और ये भारी एपिडर्मस और अंदर की गैस्ट्रोडर्मस से बनी हुई होती है। इसके बीच एक जिलेटिनी अकोशिकीय मध्य श्लेष स्तर या मीजोग्लिया पाई जाती है, और जो कुछ एनिमल्स जो कि एडवांस्ड होते हैं उनमें ये मीजोग्लिया ए सेलुलर ना होके ये सेलुलर टाइप की हो जाती है। तो फिर ये जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी होते हैं। ये जो एनिमल्स हैं, ये इनमें जो टिश्यू है वो बन तो जाता है लेकिन पूरा डेवलप्ड नहीं होता है। शरीर संगठन कोशिका ऊतक कोटिका होता है, मतलब कि सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इसमें, और इसमें अधिकांश कोशिकाएं बिखरी होती हैं तथा विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट होती हैं। कुछ कोशिकाएं एक ऊतक जैसे तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका जाल का निर्माण करती हैं। तो जो टिश्यूज हैं वो इल डेवलप तो है ही, तो इसलिए इसमें ऑर्गन्स जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं, और जो नर्वस सिस्टम है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ इसमें बन जाता है। इसका जो बाह्य कंकाल होता है ये काइटिनी होता है या कैलकेरियस होता है। ये जो एनिमल्स हैं ये जलवासी होते हैं, कुछ अलवण जल में और परंतु ज्यादातर जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। ये एकल या निवाही होते हैं, यानी जैसा इसमें लिखा हुआ है सॉलिटरी या कॉलोनियल होते हैं, और सिडेंट्री यानी स्थानबद्ध या स्वतंत्र प्लावी होते हैं। फ्री स्विमिंग इज स्वतंत्र प्लावी। इनका जो मुख होता है, मुख के चारों ओर तथा मेड्यूसा के घंटी तट पर प्राय छोटे छोटे पतले दुबले स्पर्शक पाए जाते हैं, और इनमें जो एनस होती है वो एब्सेंट होती है। केवल एक जठर चर्म से आस्तरित आंतरिक गुहिका, सॉरी ये दूसरा पॉइंट है, जो इसमें प्रोटेक्शन के लिए, इनकी खुद के बचाव के लिए इनमें नेमाटोसिस्ट पाए जाते हैं, और
ये जो नेमाटोसिस्ट होते हैं ये जंतु के किसी चीज़ पे चिपकने के, खाना पकड़ने के और अपना खुद का प्रोटेक्शन डिफेंस करने के काम में आते हैं। पाचन क्रिया इनमें अंतः तथा बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार की होती है, मतलब इंट्रा सेलुलर भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है। और जो इन इनका जो बॉडी फॉर्म होता है वो कई तरीके का पाया जाता है, यानी ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पृथक पृथक दो प्रकार के जंतु होते हैं, चिपके हुए पॉलिप एवं स्वतंत्र प्लावी मेड्यूसा। कुछ जातियां विशेष रूप से बहुरूपी होती हैं, यानी उनमें बहुत सारे फॉर्म्स पाए जाते हैं। अब जैसे इसमें देरका पॉलिप्स हैं, मेड्यूसा, डिक्टाइलोजुइड्स हैं, गैस्ट्रोजुइड्स हैं, गोनोजुइड्स हैं। जो डिक्टाइलोजुइड्स हैं वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, गैस्ट्रोजुइड्स खाने को पचाने का काम करते हैं, गोनोजुइड्स रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, और इस तरह से। अच्छा, फिर इसमें जो आपका रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये इसमें एब्सेंट होते हैं। ये सारे सिस्टम जो होते हैं इनकी जगह जो जूइड्स होते हैं अलग अलग तरह के, ये काम करते हैं। ये वाले जो सिस्टम्स होते हैं ये अभी इनमें नहीं बने हुए होते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग से होता है, विखंडन से होता है, मुकुलन से, विखंडन से और अलैंगिक जनन से होता है। और लैंगिक जनन भी इनमें पाया जाता है, जो गैमेट्स के बनने से होता है। और ये मोनोइशियस भी होते हैं और डाइशियस, उभय लिंगाश्री भी होते हैं और एक लिंगाश्री भी होते हैं। इनका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, यानी इनमें जो लार्वा होता है वो पाया जाता है और ये कहलाता है प्लैनुला लार्वा। और ऊपर एक पॉइंट जो पॉलीमॉर्फिक है उसके साथ एक दे रखा है, मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फाउंड। इसमें ये है कि जीवन व्रत में सामान्यतः पीढ़ियों का एकांतरण या समयकांतरण मिलता है। एकांतरण मीन्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और समयकांतरण मतलब मेटाजेनेसिस, जिसमें एक लैंगिक स्वतंत्र मेड्यूसा पीढ़ी दूसरी अलैंगिक स्थानबद्ध प्राय निवही पॉलीपाप पीढ़ी के साथ एकांतरित होती है। वास्तविक पीढ़ी एकांतरण का अभाव होता है। तो ये आपके हो गए हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सीलेंट्रेटा। अब इसका क्लासिफिकेशन करना है हमें। क्लासिफिकेशन में ये जो फाइलम है ये मेनली तीन क्लासेस में डिवाइडेड होता है। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही होगा। और क्लासिफिकेशन एक तरह से आपको बेसिक पूरा आता है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको फर्स्ट ईयर के हिसाब से डिटेल फॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन के लिए मैं आती हूँ। थैंक यू।